ये अच्छा किया आपने कि ड्रेस में आ गए, सिविल ड्रेस में। जाहिर है सर, उन्होंने आप पर वॉच रखी हुई। कोई नई इन्फॉर्मेशन? सर, हमने जो टीम तश्कील दी थी उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका बेटा डॉक्टर शाह कराची में। सर, वो बहुत होशियार लोग हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप उन्हें कराची में रकम अदा कर दें, बाद में हम उन्हें ट्रेस करके वो रकम बरामद कर लेंगे, लेकिन उस वक्त उन्हें यह रकम देना जरूरी है। I see. ये सदा बीच में नहीं आएंगे। नहीं सर, इस मरहले में हम बीच में नहीं आएंगे। हेलो जी, जी बोल रहा हूं। जी हाँ, तेरे सामने सादा कपड़ों में इस वक्त डीआईजी साहब बैठे हैं ना, और ढक्कन जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करना। ठीक है ठीक है ठीक है। कमाल हो गया, उन लोगों को पता है कि आप इस वक्त मेरे ऑफिस में बैठे हुए और क्या बात करने के लिए आए हैं। क्या मतलब सर? कौन था, क्या कह रहा था? वही अगवा करने वाले में फोन था। वे जानते हैं कि आप मेरे ऑफिस में सब बैठे हुए और ये बताने के लिए मुझे आए हैं कि उनको रकम अदा कर दी जाए। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आपकी मूवमेंट पे वो नजर रखे हुए हैं और मेरी मूवमेंट भी उनके सामने। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि उनके रबते आपके ऑफिस में किसी से भी। सर, वो बहुत होशियार लोग हैं और उन्हें यह पता है कि एक मुद्दत गुजर जाने के बाद पुलिस मखबी के रिश्तेदारों को यही मशवरा देती है जो मैं आपको देने आया। आपने ऑफिस में किसी से बात तो नहीं की थी? सीसी? नहीं सर, ये बात ऑफिस में डिस्कस नहीं की जाती। फिर आप क्या कहते हैं? वही जो डाकू कहते हैं? जी हाँ सर, आप उन्हें पैसे अदा करते। ओके, फिर आप बीच में से हट जाए। आई विल डील विद देम ऑन माय ओन। जिस तरह से मुल्क चल रहा है, जिस तरह से हर शख्स का एक अपना कानून है, मेरा भी कानून है, एंड आई नो हाउ टू यूज इट। लेकिन प्लीज, कोई मीडिया कोई हुकूमत का आदमी मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। प्लीज, खुदा हाफिज़ सर। छुट्टी के दिन बोर्ड ने फोन करके क्यों बुलाया? इंक्वायरी का काम तो मुकम्मल हो चुका है। मालूम नहीं, मुझे भी फोन करके बुलाया सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर ने। देखिए पिटारी से कौन सा नया सांप निकालेंगे। देखें, कोई बात डिस्कस करनी होगी। मैडम, भेजिए प्लीज, इंतजार कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। लगता है आपको भी छुट्टी के दिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता धरता आराम नहीं करने देते। मैडम, मैं कोऑर्डिनेटर और हुकुम का गुलाम। बोर्ड ने जो फैसला करना था वो उन्होंने कर लिया, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं वो फैसला आप तक पहुंचा दूं। इंक्वायरी रिपोर्ट तो हमने देखी नहीं, तो फैसला किस बात का? वो ऐसा है कि रिपोर्ट तो मुकम्मल हो गई थी, ना ही उसे पब्लिक करना था और ना ही उसे सर्कुलेट करना है, उसी की रोशनी में डिसीजन लिया गया है। अच्छा, डिसीजन की कॉपी दिखाइए।
मुख्तसर डिसीजन है कि इंक्वायरी में माली बेजाब्तगियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़े में इंतजामिया की बे एहतियाती की वजह से कॉलेज की साख को मीडिया ने धचका लगा है, इसलिए मौजूदा प्रिंसिपल मिसेज अफरोज अली खान का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किया जाता है। वो इस्तीफा देना चाहे तो इसे भी कबूल किया जाएगा और मिसेज खान को फौरी तौर पर कॉलेज का चार्ज लेने की हिदायत की जाती है। ना मैं इस्तीफा दूंगी और ना चार्ज। कोर्ट्स में जाऊं। मिसेस खान, ये तो मुझे आज पता चला कि ये सारा आपका खेल है और मेरे खिलाफ झूठा सबूत भी आपने फराहम किया। मीठी छुरी है आप। मिसेस अफरोज, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, इसलिए मुझे चार्ज मिल रहा है। डिसीजन का इल्म भी मुझे अभी हुआ है। ये आर्जी इंतजाम है, पोस्ट एडवर्टाइज करने के लिए कहा गया है। जाहिर है, और उसमें भी मिसेस खान ही सिलेक्ट होंगे। ये सारा जाल आपका बिछाया हुआ है। अदालत मुझे वापस लाएगी, देखती रहना। आपको जो कहना है वो मेंबर बोर्ड के सामने कहिएगा। आप यूं कीजिए कि मेरा पैगाम उन तक पहुंचा, कल मैं मीडिया में बयान दूंगी, वो वहां पढ़ सकेंगे। ये सारा बोर्ड बदलेगा, नया बोर्ड आएगा और नया बोर्ड मुझे वापस लाएगा, क्योंकि इस बोर्ड के सब मेंबर करप्ट हैं, माफिया है उनका।